खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। अच्छे मार्क्स आए थे तो हमारे सर ने बोला था कि आप यूपी टॉप कर सकते हो, तो तभी से हमारा सपना बन गया था, तभी से मैंने शुरू कर दी थी। क्या बनना चाहती हैं? सर डॉक्टर बनना चाहती हूँ मैं। आप अन्य छात्रों को क्या संदेश देना चाहेंगे? ये संदेश देना चाहती हूँ कि अपनी मेहनत करो और स्कूल का नाम और आगे बढ़ाओ। आपने एक छोटा सा परिचय दिया। सर मेरा नाम तनु तोमर है, देवपुर पुट्टी की रहने वाली। कितने अंक आपको मिले? सर 489। आप अपना परिचय दीजिए। सर मैं फतेहपुर पुट्ठी की रहने वाली हूँ, मेरा नाम तनु तोमर है और मेरे मम्मी का नाम रूमा देवी है और पापा का नाम हरिंदर तोमर है, वो एक फार्मर है। उनका सपना था कि मैं यूपी टॉप करूँ या अपने स्कूल का नाम आगे बढ़ाऊँ, तो मैंने उनका सपना और अपने स्कूल के टीचर्स का सपना पूरा किया है। आपको इस परीक्षा में कितना अंक मिले? सर मुझे इस परीक्षा में अपनी मेहनत के हिसाब से 489 मार्क्स प्राप्त हुए हैं। आपने परीक्षा की तैयारी कैसे की? सर मैंने परीक्षा की 19 से 20 घंटे रेगुलरली पढ़ाई की है और सर 11th क्लास से ही सपना बना लिया था और तभी से मेहनत करनी शुरू कर दी थी। इस सफलता के पीछे कौन कौन आपके रहा है, परिवार से या यहाँ पर क्या छात्र या? इस सफलता के पीछे सर हमारा परिवार, स्कूल का स्टाफ है। सर जिस भी विषय में हमें प्रॉब्लम हुई हमने उनसे टाइम लिया, एक्स्ट्रा क्लासेस ली जून में भी ली सर, और हमारे स्कूल के प्रधानाचार्य उन्होंने हमें जून में भी एक्स्ट्रा क्लास पढ़ाई बायोलॉजी की। सर घर में सभी का सपोर्ट मिला, ज़्यादातर मम्मी पापा इन सब का मिला। सर भविष्य में सर मेरे पापा का और हमारे स्कूल के स्टाफ का और हमारे प्रधानाचार्य राजीव तोमर है, जो उनका सपना है कि मैं एक डॉक्टर बनूं और मैं ये सपना पूरा कर कर रहूँगी। संदेश देना चाहूँगी कि हमारे स्कूल का नाम और आगे बढ़ाए। आप एक लड़की हैं, दूसरी लड़कियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि वो भी मेहनत करें, लड़की लड़कों से कम नहीं है, वो भी टॉप कर सकती है। इस परीक्षा में कितने अंक आपको मिले? सर 489। कैसा फील कर रही हैं आप? सर फील तो मैं बहुत खुश कर रही हूँ। हाँ सर बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, लग रहा है सबके सपने पूरे कर दिए और अब खुद का भी। घर में किसका सहयोग पिता का ज़्यादा मिला है? सर जहाँ सबसे ज़्यादा सहयोग तो मेरी मम्मी का मिला है। सर क्या काम करते थे वो, कैसे टाइम निकालते थे आपके लिए? क्या सर बताइए, कैसे सहयोग करती थी आपकी पढ़ाई? सर पढ़ने के लिए टाइम देती कि कोई भी काम नहीं, सर घर में बस पढ़ाई करने के लिए टाइम दे देती। We'll be right back.